Good morning, dear student. Today we will read a new lesson from class 7th book, Honeycomb. The title of the lesson is The Story of Cricket. Good morning, dear student. Today we will read a new lesson, The Story of Cricket, from class 7th book, Honeycomb. This is lesson belongs to the game, very famous game, cricket, and this lesson contains the information about the game cricket. क्रिकेट का जन्म किस तरीके से हुआ, कहाँ से क्रिकेट का गेम स्टार्ट हुआ, किस तरीके से हमारे कंट्री तक पहुँचा, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इस चैप्टर में आपको दी गई है. तो आइए स्टार्ट करते हैं द स्टोरी ऑफ क्रिकेट. स्पोर्ट्स इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ हेल्दी लाइफ. स्पोर्ट्स जो है हमारी हेल्दी लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट है. इंटीग्रल का मतलब होता है एक अविभाज्य, एक बेसिक पार्ट है. इट इज़ वन वे इन विच वी एम्यूज आवर सेल्व, कम्पीट विथ ईच अदर एंड स्टे फिट. यह एक वह तरीका है जिससे हम अपने आप को एम्यूज करते हैं, यानी हम अपना मन बहलाते हैं. कम्पीट विथ ईच अदर यानी एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं, एम्यूज करते हैं, कम्पीट करते हैं, एंड स्टे फिट और अपने शरीर को पूर्ण तरीके से फिट रखते हैं. तो गेम का हमारे जीवन में एक काफ़ी ज़्यादा यूजफुल कार्य है. अमोंग द वेरियस स्पोर्ट्स सच एज हॉकी, फुटबॉल एंड टेनिस, क्रिकेट अपीयर्स टू बी द मोस्ट अपीलिंग नेशनल एंटरटेनमेंट टूडे. दूसरे गेमों के बीच में से जैसे कि हॉकी हुआ, फुटबॉल हुआ, टेनिस हुआ, क्रिकेट का जो गेम है इस समय राष्ट्रीय स्तर का मनोरंजन का साधन बना हुआ है, एंटरटेनमेंट का साधन बना हुआ है आज के समय में. हाउ मच डू वी रियली नो अबाउट द गेम कॉल्ड क्रिकेट. हम क्रिकेट के बारे में कितना कुछ जानते हैं, जो भी आप जानते हैं उससे ज़्यादा यहाँ बताने की कोशिश की गई है. द स्टोरी ऑफ क्रिकेट. क्रिकेट ग्रू आउट ऑफ द मैनी स्टिक एंड बॉल गेम्स प्लेड इन इंग्लैंड 500 ईयर्स एगो. क्रिकेट जो गेम खेले जाते थे उन्हीं में से ग्रू आउट हुआ, उन्हीं में से उत्पन्न हुआ, उन्हीं में से निकला है, जो कि इंग्लैंड में 500 साल पहले खेले जाते थे. किसके गेम? स्टिक और बॉल के गेम, उन्हीं में से यह खेल निकला हुआ है. द वर्ड बैट इज़ एन ओल्ड इंग्लिश वर्ड दैट सिंपली मीन्स स्टिक और क्लब. जो वर्ड बैट है उसका वह एक इंग्लिश का पुराना शब्द है जिसका मतलब होता है स्टिक और क्लब. स्टिक का मतलब लाठी, डंडा, क्लब का मतलब भी वही लाठी डंडा. बाय द 17th सेंचुरी क्रिकेट हैड इवॉल्व्ड इनफ टू बी रिकॉग्निजिबल एज ए डिस्टिंक्ट गेम. और 17th सेंचुरी तक आते आते क्रिकेट जो है वह उसने एक विशेष स्थान बना लिया था अपना, एक डिस्टिंक्ट गेम के रूप में, एक डिफरेंट गेम के रूप में, एक अलग खेल के रूप में उसने अपना स्थान बना लिया था. उससे पहले क्या था, क्रिकेट जो है एक कॉमन सा गेम था जो कि दूसरे अन्य गेमों की तरह ही खेला जाता था, उसे अन्य गेमों की तरह ही लाइक किया जाता था. जिस तरीके से फुटबॉल, हॉकी इत्यादि गेम पसंद किए जाते हैं, उसी तरीके से यह गेम भी पसंद किया जाता था. लेकिन यह बाद में इन गेम से अलग हो गया, जो कि गेम नॉर्मली स्टिक के और बॉल के गेम खेले जाते थे क्रिकेट से, उनसे बिल्कुल अलग हो गया और इसने एक अपनी एक अलग पहचान बना ली. इवॉल्व का मतलब होता है डेवलप्ड, यानी विकसित हुआ. टिल द मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी बैट्स वर रफली द सेम शेप्स एज हॉकी स्टिक्स कर्विंग आउटवर्ड्स एट द बॉटम. मिडिल 18th सेंचुरी तक यानी कि 18वीं शताब्दी के मध्यांतर तक जो बैट्स थे, जो बल्ले थे, उनकी शेप हॉकी स्टिक की तरह ही थी, यानी नीचे की साइड से वो कर्व किए हुए थे, मुड़े हुए थे. देयर वॉज अ सिंपल रीजन फॉर दिस. उसके पीछे एक साधारण सा कारण था. द बॉल वॉज बॉल्ड अंडर आर्म अलॉन्ग द ग्राउंड एंड द कर्व एट द एंड ऑफ द बैट गेव द बैट्समैन द बेस्ट चांस ऑफ मेकिंग कॉन्टैक्ट. क्या कारण था इसका साधारण सा? क्योंकि बॉल उस समय तक अंडर आर्म फेंकी जाती थी, यानी
अपने बाजू से नीचे की साइड में गेंद फेंकी जाती थी, ग्राउंड के सहारे सहारे लुढ़का करके गेंद फेंकी जाती थी, और इस तरीके के बैट जो कि कर्व किए हुए होते थे वो बैट्समैन को एक अच्छा मौका देते थे कि वह गेंद से अपने बल्ले का कांटेक्ट कराए और एक अच्छे से शॉट का सिलेक्शन कर सके। वन ऑफ द पिक्युलरिटीज ऑफ क्रिकेट इज दैट अ टेस्ट मैच कैन गो ऑन फॉर 5 days एंड स्टिल एंड इन ए ड्रॉ। एक और क्रिकेट की जो पिक्युलरिटीज़ है, एक और क्रिकेट की जो विचित्रता है, स्पेशलिटी है, वह क्या है कि यह इसके अंदर जो टेस्ट मैच खेले जाते हैं वो 5 दिन से भी ज़्यादा समय तक चलते हैं एंड स्टिल एंड इन ए ड्रॉ, और कई बार तो उनका नतीजा जो है बिना परिणाम के ही घोषित करना पड़ता है, यानी कि कोई भी टीम इनमें विनर नहीं होती है, कोई भी टीम जीतती नहीं है और वो ड्रॉ घोषित कर दिए जाते हैं। बच्चों यहाँ पे एक पिक्चर दी गई है, यह पिक्चर है पुराने बैट्स की, पुराने टाइप के बैट्स किस तरीके के हुआ करते थे उसको दिखलाती हुई ये पिक्चर यहाँ पे बताई गई है। तो इस पिक्चर को आप देख सकते हैं जो कि ओल्ड क्रिकेट बैट की है, जिसका कि लास्ट का जो हिस्सा है वो कर्व किया हुआ है, और यह हमको ये बताता है कि 17वीं सेंचुरी में बैट किस तरीके के हुआ करते थे। नो अदर मॉडर्न टीम स्पोर्ट्स टैक्स इवन हाफ एज मच टाइम टू कंप्लीट। आज का कोई भी मॉडर्न टीम स्पोर्ट्स ऐसा नहीं है जिसके अंदर टीम पूरी की पूरी मैच खेलती है, क्रिकेट गेम खेलती है, कोई भी ऐसा गेम नहीं है जो कि क्रिकेट के समय का आधा समय भी कंप्लीट होने में लेता हो। यानी कि क्रिकेट जो 50 ओवर का होता है, वन डे मैच जिसको कहते हैं, उसके अंदर भी एक पूरा का पूरा दिन लग जाता है। यहाँ तक कि जो 20 ओवर वाला मैच होता है उसको भी कंप्लीट होने में 4 से 5 घंटे का समय लग जाता है, लेकिन फुटबॉल मैच हो चाहे हॉकी मैच हो वह कंप्लीट होने में 1 से 1.5 घंटा लेते हैं। फुटबॉल मैच इज़ जनरली ओवर इन एन आवर एंड ए हाफ। एक फुटबॉल मैच जो होता है वो प्रायः 1.5 से 1 घंटे में कंप्लीट हो जाता है। इवन बेसबॉल कंप्लीट्स 9 इनिंग्स इन लेस देन हाफ द टाइम दैट इट टेक्स टू प्ले ए लिमिटेड ओवर मैच। यहाँ तक कि जो बेसबॉल का जो खेल है जिसके अंदर कि 9 इनिंग्स का गेम चलता है वो भी क्रिकेट के टाइम से आधे टाइम में ही कंप्लीट हो जाता है, जो कि एक लिमिटेड ओवर का मैच होता है। और यह क्या है, शॉर्टेंड वर्जन ऑफ मॉडर्न क्रिकेट, यह मॉडर्न क्रिकेट का एक शॉर्टेंड वर्जन है, इसी का एक छोटा सा संक्षिप्त रूप है। शॉर्टेंड वर्जन का मतलब संक्षिप्त रूप है। अनदर क्यूरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिकेट इज दैट द लेंथ ऑफ द पिच इज स्पेसिफाइड। एक और कैरेक्टरिस्टिक, एक और ट्रेट, एक और पहचान, एक और क्वालिटी क्रिकेट की है, वह क्या है, द लेंथ ऑफ द पिच, पिच की लंबाई की पहचान। इसके अंदर पिच की लंबाई फिक्स है, इट इज़ स्पेसिफाइड 22 yards। यहाँ क्रिकेट के अंदर पिच की जो लेंथ है वो 22 yards फिक्स की गई है, बट द साइज और सेप ऑफ द ग्राउंड इज़ नॉट। लेकिन ग्राउंड की साइज और सेप कैसी होनी चाहिए इसके लिए कोई भी चीज़ फिक्स नहीं की गई है। क्रिकेट का ग्राउंड और उसकी सेप कैसी भी हो सकती है, वो ओवल सेप का भी हो सकता है, वह सर्कुलर सेप का भी हो सकता है, जैसा कि यहाँ एग्जांपल से क्लियर भी है, आप यहाँ देख पाएंगे कि मोस्ट अदर टीम स्पोर्ट्स सच एज हॉकी एंड फुटबॉल ले डाउन द डायमेंशन ऑफ द प्लेइंग एरिया। जो दूसरे टीम स्पोर्ट्स गेम है जैसे कि हॉकी और फुटबॉल, वह फिक्स डायमेंशन वाले प्लेइंग एरिया में, फिक्स नाप वाले जो खेल के मैदानों में वो खेल खेले जाते हैं, डायमेंशन का मतलब होता है नाप परिमाप, क्रिकेट डज नॉट। लेकिन क्रिकेट के साथ ऐसा नहीं है, ग्राउंड्स कैन बी ओवल लाइक द एडिलेड ओवल और नियरली सर्कुलर लाइक चिपॉक इन चेन्नई। ग्राउंड कैसा भी हो सकता है, ओवल सेप का भी हो सकता है जैसे कि एडिलेड का ओवल सेप का ग्राउंड, और सर्कुलर ग्राउंड भी हो सकता है जैसे कि चिपॉक का, चेन्नई चिपॉक का जो सर्कुलर ग्राउंड है, ऐसे ग्राउंड में भी क्रिकेट खेले जाते हैं, वह ओवल सेप में भी खेले जा सकते हैं, सर्कुलर सेप में भी खेले जा सकते हैं। ए 6 एट द मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड नीड्स टू क्लियर मच मोर ग्राउंड देन इट डज एट फिरोज शाह कोटला मैदान। एक 6 जो कि मेलबोर्न ग्राउंड के अंदर जिसको क्लियर होने के लिए कई सारे और ग्राउंड चाहिए, वह फिरोज शाह कोटला मैदान में आसानी से कंप्लीट हो जाता है। यानी फिरोज शाह कोटला मैदान में 6 जो है बड़ी आसानी से लग जाते हैं, जबकि मेलबोर्न ग्राउंड जो है काफ़ी बड़ा ग्राउंड है, वहाँ जो है सिक्सेस लगाना मायने रखता है। देयर इज अ हिस्टोरिकल रीजन बिहाइंड बोथ दीज ओडिटीज।
इन ऑडिटीज़ के पीछे, इन विषमताओं के पीछे एक ऐतिहासिक कारण छिपा हुआ है। वह कारण क्या है? क्रिकेट वॉज द अर्लीस्ट मॉडर्न टीम स्पोर्ट्स टू बी कोडिफाइड। क्रिकेट जो था सबसे अर्लीस्ट मॉडर्न टीम स्पोर्ट्स था जिसको कि कोडिफाइड किया गया, जिसके रूल्स और रेगुलेशंस को जो है स्टैंडर्डाइज्ड किया गया, उसके रूल्स और रेगुलेशंस बनाए गए, बाकायदा उनको प्रिंट कराया गया। ऐसा करने वाला क्रिकेट जो है सबसे अर्लीस्ट मॉडर्न टीम स्पोर्ट्स था। द फर्स्ट रिटन लॉज ऑफ क्रिकेट वर ड्रॉन अप इन 1744। पहला लिखा हुआ जो क्रिकेट का लॉ है वह 1744 में ड्रॉन अप किया गया, वह प्रकाश में लाया गया। दे स्टेटेड, ये लॉ कहते हैं, बताते हैं, क्या बताते हैं वे? द प्रिंसिपल सेल चूज फ्रॉम अमंगस्ट द जेंटलमैन प्रेजेंट टू एम्पायर्स हु सेल एब्सोल्यूटली डिसाइड ऑल डिस्प्यूट्स। जो प्रिंसिपल्स हैं, जो प्रधान हैं, वो चुने जाएंगे किसमें से? दो एम्पायरों के बीच में से प्रधान चुना जाता है। दो एम्पायर्स प्रधान होते हैं जो कि सारे के सारे गेम के डिस्प्यूट का निर्धारण करते हैं, उनको डिसाइड करते हैं, उनके बारे में बताते हैं, वो अपना रिजल्ट देते हैं। द स्टम्प्स मस्ट बी 22 inches हाई एंड द बेल अक्रॉस दैम 6 inches। जो स्टम्प है उनकी हाइट यहाँ फिक्स है, उनकी हाइट जो है मस्ट बी 22 inches, 22 inch के स्टम्प होने चाहिए। और बैल जो है उनके ऊपर जो बैल रखी जाती है एक स्टम्प से दूसरे स्टम्प के बीच में जो छोटी सी लकड़ी रखी जाती है, उसकी जो लेंथ है वह 6 inch होनी चाहिए। द बॉल मस्ट बी बिटवीन 5 and 6 ounces। बॉल का वजन जो है 5 से 6 ounces के बीच होना चाहिए। एंड द टू सेट्स ऑफ स्टम्प 22 yards अपार्ट। और दो स्टम्प के सेट के बीच की दूरी 22 yards की, यानी 22 गज की होनी चाहिए। द वर्ल्ड्स फर्स्ट क्रिकेट क्लब वॉज फॉर्म्ड इन हैमिल्टन इन द 1760। क्रिकेट का पहला जो क्लब है हैमिल्टन में 1760s को गठित किया गया। एंड द मेलबोर्न क्रिकेट क्लब वॉज फाउंडेड इन 1787। और जो मेलबोर्न क्रिकेट क्लब है जिसको कि MCC के रूप में शॉर्ट में जाना जाता है, वह 1787 में उसका गठन किया गया। ड्यूरिंग द 1760s एंड 1770s इट बिकेम कॉमन टू पिच द बॉल थ्रू द एयर रादर देन रोल इट अलोंग द ग्राउंड। 1760 से 1770 के बीच में क्रिकेट में एक बदलाव आया। जो बॉल पहले ग्राउंड पे लुढ़का करके फेंकी जाती थी, अब उसे हवा में उछाल करके फेंका जाने लगा। और ये बदलाव देखिए कितने सारे परिवर्तन लेकर के आया, उसके बारे में भी आगे इसमें बताया गया है। दिस चेंज गेव बॉलर्स द ऑप्शन ऑफ लेंथ। इसने बॉलर्स को एक ऑप्शन दिया लेंथ का, यानी लंबाई से गेंद फेंकने का, दूरी से गेंद फेंकने का। डिसेप्शन थ्रू द एयर, हवा में धोखा देने का। द बॉल इज़ नो लॉन्गर रोल्ड अलोंग द ग्राउंड बट सेंट थ्रू द एयर, हैंस द पॉसिबल वेराइटी ऑफ डिसेप्शन इन बॉलिंग। तो इस तरीके से क्या है, वह जो है अलग अलग वेराइटीज़ का जो बॉलर्स है वह यूज़ करने लगे अपनी बॉलिंग के अंदर, वह धोखा देने लगे, डिसिप्ट करने लगे किसको? बैट्समैन को, अपनी बॉलिंग के द्वारा। जब एयर में बॉल फेंकने की बारी आई तो वे बैट्समैन को धोखा देने लगे और बैट्समैन को आउट करने के नए नए तरीके खोजने लगे। प्लस इंक्रीज्ड पेस, और उसने क्या किया, पेस को इंक्रीज्ड कर दिया। पेस मीन्स गति को, बॉलर की गति को इसने इंक्रीज कर दिया। इट ऑल्सो ओपन न्यू पॉसिबिलिटीज़ फॉर स्पिन एंड स्विंग। इसके साथ साथ इसने नई संभावनाएं स्पिन करने की गेंद को, स्विंग करने की गेंद को, कई तरीके से अलग अलग तरीके से घुमा करके फेंकने की संभावनाओं को इसने खोल दिया। इट रेस्पॉन्स बैट्समैन हैड टू मास्टर टाइमिंग एंड शॉट सेलेक्शन। इसने बैट्समैन को बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बनाया, उनको टाइमिंग और शॉट सेलेक्शन का मास्टर बनाने की कोशिश की। यानी कि बैट्समैन जो है अब शॉट को सेलेक्ट करके ही उसके ऊपर शॉट मारा करते थे। हर बॉल पे जो पहले शॉट मारा करते थे वो यहाँ पे आकर के रुक गया जब बॉल को एयर में फेंका जाने लगा। वन इमीडिएट रिजल्ट वाज द रिप्लेसमेंट ऑफ द कर्व्ड बैट विद द स्ट्रेट वन। और इसका सबसे इमीडिएट रिजल्ट, सबसे तुरंत आने वाला जो परिणाम था वह क्या हुआ कि बैट्समैन जो है, बैट्समैन ने अपने बैट को रिप्लेस किया। किससे? पहले जो कर्व्ड बैट चलता था उसके जगह बैट्समैन ने अब स्ट्रेट बैट का यूज़ करना शुरू कर दिया, यानी सीधे बैट का यूज़ करना शुरू कर दिया। अब जो है बैट जो है नीचे से कर्व किया हुआ, मुड़ा हुआ नहीं होता था, वह बिल्कुल सीधा बैट हुआ करता है। जैसा कि आजकल हम लोग देखते हैं जो बैट्समैन बैट यूज़ करते हैं वह स्ट्रेट बैट है। द वेट ऑफ द बॉल वॉज लिमिटेड टू बिटवीन 5.5 to 5.75 ounces। जो बॉल है उसका वजन जो है फिक्स था
5.5 से लेकर के 5.25 औंस तक उसका वजन हो सकता है एक क्रिकेट की बॉल का। एंड द विड्थ ऑफ द बैट टू 4 इंचेस, और बैट जो है उसकी जो विड्थ है वह 4 इंच लिमिटेड की गई, उसकी जो चौड़ाई है वो 4 इंच निर्धारित की गई। इन 1774 द फर्स्ट लैग बिफोर लॉ वॉज पब्लिश्ड, 1774 में लैग बिफोर लॉ को पब्लिश किया गया, यानी कि जो इसका एक नया नियम था कि आप टांग के पीछे भी आउट हो सकते हैं, उस नियम को भी पब्लिश इसमें किया गया। ऑल्सो अराउंड दिस टाइम ए थर्ड स्टंप बिकेम कॉमन, इसी के साथ साथ इस समय तक आते आते थर्ड स्टंप भी कॉमन हो गया, जहाँ पहले 2 ही स्टंप लगाए जाते थे अब वहाँ 3 स्टंप गाड़े जाने लगे मैदान में। बाय 1783 डेज हैड बिकम द लेंथ ऑफ ए मेजर मैच, 1780 तक आते आते जो मेजर मैच थे, जो मुख्य मैच थे, उनकी जो लेंथ है, उनका जो टाइमिंग है वह 3 डेज फिक्स कर दिया गया। एंड दिस ईयर ऑल्सो सॉ द क्रिएशन ऑफ द फर्स्ट 6-सीम क्रिकेट बॉल, और इस साल ने पहली बार यह भी देखा कि जो 6-सीम क्रिकेट बॉल होती है वह कैसी होती है, यानी कि 6 सिलाई वाली क्रिकेट बॉल भी इस समय यहाँ पे देखी गई। ये बच्चों ये एक पिक्चर है, द पवेलियन ऑफ द मेलबोर्न क्रिकेट क्लब, MCC 1874 की पिक्चर है, जो कि मेलबोर्न क्रिकेट क्लब की पिक्चर है। इफ़ यू लुक एट द गेम्स इक्विपमेंट यू कैन सी हाउ क्रिकेट बॉल चेंज्ड विथ चेंजिंग टाइम्स एंड येट फंडामेंटली रिमेन ट्रू टू इट्स ओरिजिन्स इन रूरल इंग्लैंड। अगर आप इस क्रिकेट गेम्स के इक्विपमेंट्स को देखेंगे, इनके उपकरण को देखेंगे, तो यू कैन सी हाउ क्रिकेट बॉल चेंज्ड विथ चेंजिंग टाइम्स, आप समझ सकेंगे कि क्रिकेट जो है समय के परिवर्तन के साथ साथ उसने किस तरीके से अपने आप को भी परिवर्तित किया। येट फंडामेंटली रिमेन ट्रू टू इट्स ओरिजिन इन रूरल इंग्लैंड, फिर भी फंडामेंटली रूप से, फिर भी फंडामेंटली वे में, या उसके जो फंडामेंटल्स थे, उसके जो शुरुआती जो उसके निष्कर्ष थे, उसके आधार पे उसने बेसिक को नहीं चेंज किया। फंडामेंटल का मतलब होता है अपने बेसिक्स को, अपने मूल रूप को उसने परिवर्तित नहीं किया, उसका मूल स्वरूप जो था बिल्कुल रिमेन उसी अवस्था में रहा जिसमें कि ओरिजिन्स इन रूरल इंग्लैंड, जिस तरीके से इसका रूरल इंग्लैंड से, जिस तरीके से एक ग्रामीण इंग्लैंड से इसका जन्म हुआ था, उसी स्वरूप में इसने अपने आप को बनाए रखा। क्रिकेट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स आर ऑल मेड ऑफ नेचुरल, क्रिकेट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स हैं, जो कि मुख्य रूप से बैट हो गया, उसकी बेल हो गई, उसके स्टंप हो गए, उसकी बॉल हो गई, ये सारे के सारे नेचुरल वे में क्रिएट किए जाते हैं, प्रकृति से ही बनाए जाते हैं। प्री इंडस्ट्रियल मटेरियल, और इसके अंदर जो इस्तेमाल होने वाला जो मटेरियल है वह प्री इंडस्ट्रियल मटेरियल है, यानी कि इंडस्ट्री में पहुंचने से पहले वाला मटेरियल, जो कि प्राकृतिक जो परिवेश का जो मटेरियल होता है, प्रकृति से उत्पन्न किया जाने वाला मटेरियल सामग्री, उससे ही ये तैयार किए गए। द बैट इज़ मेड विथ लेदर ट्वाइन एंड कॉर्क, जो बैट है वह लेदर से, चमड़े से, ट्वाइन मीन्स TWINE, ट्वाइन का मतलब होता है सुतली, और कॉर्क का मतलब होता है लकड़ी, यानी ट्वाइन कॉर्क और लेदर से इसका निर्माण किया गया है। इवन टुडे बोथ बैट एंड बॉल आर हैंडमेड, यहाँ तक कि आज भी बैट और बॉल जो होते हैं वह हैंडमेड ही उपलब्ध कराए जाते हैं, नॉट इंडस्ट्रियली मैन्युफैक्चर्ड, न कि औद्योगिक रूप से उनका उत्पादन किया जाता है। द मटेरियल ऑफ द बैट चेंज्ड स्लाइटली ओवर टाइम, मटेरियल बैट का जो मटेरियल है समय के अनुसार धीरे धीरे उसमें परिवर्तन आता गया। वंस इट वॉज कट आउट ऑफ ए सिंगल पीस ऑफ वुड, जहाँ पहले तक जो बैट जो है एक पीस के, वुड के एक पीस के द्वारा बनाया जाता था, यानी लकड़ी के एक पीस से ही उसको तैयार किया जाता था, नाउ इट कंसिस्ट ऑफ 2 पीसेस, अब जो है यह 2 पीसेस में तैयार किया जाता था। द ब्लेड विच इज़ मेड आउट ऑफ द वुड ऑफ द विलो ट्री एंड द हैंडल विच इज़ मेड आउट ऑफ कैन, दैट बिकेम अवेलेबल एज यूरोपियन कॉलोनियलिस्ट एंड ट्रेडिंग कंपनीज इस्टेब्लिश्ड देमसेल्व्स इन एशिया। जो इसका ब्लेड है वह किससे बनाया जाता है, विलो ट्री से बनाया जाता है। ब्लेड का इस्तेमाल, ब्लेड जो बनता है वो विलो ट्री से बनता है, और इसका जो हैंडल है वह कैन के पेड़ों से बनाया जाता है, जो कि अधिकतर उपलब्ध हैं कहाँ पे, यूरोपियन कॉलोनी लिस्ट में, यूरोपियन देश के जितने भी उपनिवेश
थे, औपनिवेशिक देश थे जहाँ की इनका अधिकतर इनका राज्य रहा करता था, यूरोपियन कंट्रीज़ का या इंग्लैंड का, वहाँ से वहाँ पे ही ये पाए जाते हैं और वहाँ से उनकी ट्रेडिंग की जाती थी, वहीं से उनका व्यापार किया जाता था। और अधिकतर ये सारे के सारे देश कहाँ स्थित थे? एशिया में स्थित थे। तो उसका जो हैंडल है वह एशिया में स्थित देशों के कैन ट्री से बनाया जाता है। अनलाइक गोल्फ एंड टेनिस, क्रिकेट हैज़ रिफ्यूज टू डिमार्क इट्स टूल्स विथ इंडस्ट्रियल और मैन मेड मटेरियल्स। टेनिस और गोल्फ की तरह इसने जो इसका जो उत्पादन था इंडस्ट्रियल मटेरियल्स, इसके उत्पादन को इसने कभी भी स्वीकार नहीं किया और मैन मेड मटेरियल्स का ही हमेशा क्रिकेट में यूज़ होता रहा। प्लास्टिक, फाइबर ग्लास एंड मेटल हैव बीन फर्मली रिजेक्टेड। प्लास्टिक का इस्तेमाल इसमें कभी नहीं हुआ, फाइबर ग्लास के चीज़ों का इस्तेमाल कभी नहीं किया गया, न मेटल से बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल क्रिकेट में कभी किया गया, यानी उन सब चीज़ों को इसने रिजेक्ट कर दिया, उनको स्वीकार कभी नहीं किया। बट इन द मैटर ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, लेकिन जहाँ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की बात आती है, सुरक्षात्मक उपकरण की बात आती है, सुरक्षात्मक साजो सामान की जहाँ बात आती है, क्रिकेट हैज़ बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय टेक्नोलॉजिकल चेंज। क्रिकेट जो है टेक्नोलॉजिकल चेंजेस से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ है। इन्फ्लुएंस का मतलब था प्रभावित हुआ, किसने प्रभावित किया? आजकल की तकनीक ने उसको बहुत ज़्यादा प्रभावित किया, यानी उसमें धीरे धीरे फाइबर का भी इस्तेमाल होने लगा, मेटल का भी इस्तेमाल होने लगा, लेकिन प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के रूप में उसने इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करना शुरू किया। द इन्वेंशन ऑफ वल्केनाइज्ड रबर लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ पैड्स इन 1848। जो वल्केनाइज्ड जो वल्केनित जो रबर थी उसका इस्तेमाल जो है पैड के रूप में, यानी पैरों को सुरक्षा देने के लिए उसका इस्तेमाल किया गया, उसकी एक पैड बनाई गई वल्केनाइज्ड रबर की, और 1848 में इसका जो है लोगों ने यूज़ करना शुरू किया क्रिकेट में, अपने पैरों को सुरक्षा देने के लिए पैड पहने जाने लगे, एंड प्रोटेक्टिव ग्लव्स सून आफ्टरवर्ड। उसके बाद शीघ्र ही ग्लव्स का इस्तेमाल हुआ, ग्लव्स का मतलब दस्ताने हाथों में पहने जाने लगे, एंड द मॉडर्न गेम वुड बी अनइमेजिनेबल विदाउट हेलमेट मेड आउट ऑफ मेटल एंड सिंथेटिक लाइट वेट मटेरियल। और इसी तरीके से आज हम एक क्रिकेट के गेम की कल्पना भी नहीं कर सकते बिना हेलमेट के, यानी हेलमेट की आवश्यकता अब क्रिकेट में बहुत ज़्यादा होती है, बिना हेलमेट के एक भी क्रिकेट का मैच कंप्लीट नहीं हो सकता, जो कि मेटल और सिंथेटिक लाइटवेट मटेरियल से बना हुआ होता है। यानी कि मॉडर्न वे में आते आते क्रिकेट ने जो है जितने भी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट थे उसके अंदर अब जो अदर जो मटेरियल्स थे उनका इस्तेमाल करना इसने शुरू कर दिया था। ये सारे के सारे मटेरियल्स फाइबर्स ग्लास से बने हुए, मेटल से बने हुए, प्लास्टिक से बने हुए मटेरियल्स हैं जिनका कि अब क्रिकेट में इस्तेमाल होता है। उससे पहले तक नेचुरल मटेरियल का ही इस्तेमाल होता था जो कि मैन मेड मटेरियल्स हुआ करते थे। तो बच्चों ये था हमारा इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, टुडे वी विल रीड द सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर द स्टोरी ऑफ क्रिकेट। सो लेट अस स्टार्ट इट। द ओरिजिन ऑफ इंडियन क्रिकेट आर टू बी फाउंड इन बॉम्बे, एंड द फर्स्ट इंडियन कम्युनिटी टू स्टार्ट प्लेइंग द गेम वॉज द स्मॉल कम्युनिटी ऑफ जोरास्ट्रियन। जो भारतीय क्रिकेट है उसका जो ओरिजिन है, उसका जो जन्म है, मुंबई में हुआ था, और सबसे पहले इस गेम को खेलने वाला जो भारतीय समुदाय था वो जोरास्ट्रियन यानी कि पारसी लोग थे। ये एक स्मॉल कम्युनिटी थी, इट वाज अ वेरी स्मॉल कम्युनिटी, एक छोटा सा समुदाय था जिनको कि पारसी या जोरास्ट्रियन के नाम से जाना जाता था। ब्रोट इनटू क्लोज कॉन्टैक्ट विद द ब्रिटिश बिकॉज ऑफ देयर इंटरेस्ट इन ट्रेड एंड द फर्स्ट इंडियन कम्युनिटी टू वेस्टर्नाइज। वो ब्रिटिश के क्लोज कॉन्टैक्ट में इसलिए आए क्योंकि उनका इंटरेस्ट किस में था? ट्रेड में, व्यापार में था, और ये पहली कम्युनिटी थी जो कि वेस्टर्नाइज हुई, जिसने कि पाश्चात्य संस्कृति को सबसे पहले अपनाया। यह भारत का पहला समुदाय था, पहली कम्युनिटी थी जिसने वेस्टर्नाइज थिंग्स को सबसे पहले अपनाया। द पारसीज फाउंडेड द फर्स्ट इंडियन क्रिकेट क्लब। पारसीज ने ही सबसे पहला इंडियन क्रिकेट क्लब की नींव रखी थी, फाउंड रखी थी। द
ओरिएंटल क्रिकेट क्लब इन बॉम्बे इन 1848। ओरिएंटल क्रिकेट क्लब बॉम्बे में 1848 को पारसियों के द्वारा ही जो है उसकी स्थापना की गई थी। पारसी क्लब्स वर फाउंडेड एंड स्पॉन्सर्ड बाय पारसी बिजनेसमैन लाइक द टाटा एंड वाडियर्स। पारसी जो क्रिकेट क्लब थे उनका फंड और अन्य चीज़ों की जो फंडेड था और स्पॉन्सर था वो किसके द्वारा किया जा रहा था, जो पारसी बिजनेसमैन थे जैसे कि टाटा और वाडियर्स, उनके द्वारा उसको फंड और पैसा मुहैया कराया जाता था और वही उसको स्पॉन्सर भी करते थे, वही उसका प्रचार प्रसार भी करते थे, उसके गेम्स के लिए जो भी खर्च होते थे वे सारे के सारे खर्चे भी यही लोग उपलब्ध करवाते थे। टाटा और वाडिया जैसे जो फेमस जो बिजनेसमैन थे वही इसका फंडिंग भी करवाते थे। द वाइट क्रिकेट एलाइट इन इंडिया ऑफर्ड नो हेल्प। जो वाइट क्रिकेट के जो एलाइट थे, जो वाइट क्रिकेट खेलने वाले जो बड़े बड़े उच्च वर्ग वाले विशिष्ट वर्ग वाले एलाइट का मतलब होता है जो हायर पीपल थे जिनकी की पोजीशन ज़्यादा हाई थी ऊंची थी, उन लोगों ने क्या किया था, इन इंडिया ऑफर्ड नो हेल्प टू द एंथुजियास्टिक पारसीज। इन पारसीज एंथुजियास्टिक पर्सन का को कोई भी मदद नहीं की थी। इन पारसी एंथुजियास्टिक का मतलब उत्साही व्यक्तियों की कोई मदद नहीं की थी। इनफैक्ट देयर वाज ए क्वारल बिटवीन द बॉम्बे जिमखाना ए वाइट ओनली क्लब एंड पारसी क्रिकेटर्स ओवर द यूज़ ऑफ ए पब्लिक पार्क। अगर वाकई में बताया जाए तो वहाँ एक झगड़ा हो गया था किस किस के बीच में, बॉम्बे जिमखाना जो कि वाइट्स ओनली क्लब था जिसके अंदर कि केवल वाइट पर्सन ही खेला करते थे, जिसके अंदर गोरे लोग खेला करते थे, जिसके अंदर ब्रिटिश पर्सन खेला करते थे, और पारसी क्रिकेटर्स के बीच में पब्लिक पार्क को लेकर के एक झगड़ा हो गया था। और झगड़ा क्या था, द पारसीज कंप्लेन दैट द पार्क वॉज लेफ्ट अनफिट फॉर क्रिकेट बिकॉज द पोलो पोनीज ऑफ द बॉम्बे जिमखाना डक अप द सरफेस। पारसीज की यह शिकायत थी कि जो पार्क है वह बिल्कुल अनफिट कर दिया गया है क्रिकेट के लिए, क्योंकि यहाँ क्या होता था, पोलो पोनीज, पोलो के जो पोनीज थे, पोनीज का मतलब हॉर्सेस थे, पोलो में जो यूज़ में आने वाले जो हॉर्सेस थे, ऑफ बॉम्बे जिमखाना डक अप द सरफेस, उस बॉम्बे जिमखाना के जो पोलो पोनीज थे उन घोड़ों ने क्या किया था, पूरी सरफेस को डग अप कर दिया था, पूरी सरफेस में गड्ढे बना दिए थे उन हॉर्सेस ने, पूरी सरफेस में गड्ढे बना दिए थे। व्हेन इट बिकेम क्लियर दैट द कॉलोनियल अथॉरिटीज वर प्रिजुडाइज्ड इन फेवर ऑफ देयर वाइट कॉम्पेट्रियट्स, जब यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि जो जो वाइट वाइट की जो अथॉरिटी है, जो कॉलोनियल अथॉरिटीज़ हैं जो कि यहाँ के जो उपनिवेश को ऑथोराइज करने वाले जो ऑफिसर्स हैं वो प्रिजुडाइज्ड हैं, प्रिजुडाइज्ड का मतलब होता है ये पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, इन द फेवर ऑफ देयर वाइट कॉम्पेट्रियट्स, वो किसके फेवर में रहे हमेशा, उनके वाइट कॉम्पेट्रियट्स के फेवर में हमेशा वे बने रहे, जो गोरे लोग थे उनके ही फेवर में, उनके ही कॉम्पेट्रियट्स का मतलब होता है कंट्री मैन, उनके ही कंट्री के लोगों के लिए वे हमेशा उनके ही फेवर में रहते थे। इस बात को जब क्लियर हो गया द पारसीज बिल्ट देयर ओवन जिमखाना टू प्ले क्रिकेट इन, तब पारसीज ने क्या किया, अपना खुद का जिमखाना बनाया क्रिकेट खेलने के लिए। द रिवेलरी बिटवीन द पारसीज एंड द बॉम्बे जिमखाना हैड ए हैप्पी एंडिंग फॉर दीज पायोनियर्स। और पारसीज की जो यह झगड़ा था इसका जो अंत है वह एक हैप्पी एंडिंग के रूप में हुआ, इसका जो अंत है वह एक बहुत ही सुखद रूप में हुआ। इस रिवेलरी का अंत जो है, इस कंपटीशन का, रिवेलरी का मतलब होता है बच्चों कंपटीशन का, अंत जो है बहुत ही सुखद रहा, हैप्पी एंडिंग रही फॉर दिस पायोनियर ऑफ इंडियन क्रिकेट, जो ये पायोनियर्स थे इंडियन क्रिकेट के, यानी जो इंडियन क्रिकेट को जिन्होंने स्थापना की थी, स्थापित करने वाले व्यक्ति थे, उनके लिए इसका जो अंत था वो काफ़ी ज़्यादा सुखद रहा। किस तरीके से सुखद रहा आइए इसको जानते हैं। ए पारसी टीम बीट द बॉम्बे जिमखाना एट क्रिकेट इन 1889। एक पारसी की टीम ने बॉम्बे जिमखाना को क्रिकेट में 1889 में हरा दिया, यह सबसे ज़्यादा सुखद क्षण था। जस्ट 4 ईयर्स आफ्टर द फाउंडेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885, सिर्फ 4 साल पहले, जबकि फाउंडेशन रखी गई सिर्फ 4 साल के बाद में, 1889 को इन्होंने हराया था और 1885 को नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी। नेशनल कांग्रेस की स्थापना के जस्ट 4 साल के बाद में इन्होंने
जो है बॉम्बे जिमखाना को क्रिकेट में 1889 को हरा दिया। एंड ऑर्गेनाइजेशन दैट वाज लकी टू हैव अमंगेस्ट इट्स लीडर्स अर्ली लीडर्स द ग्रेट पारसी स्टेट्समैन एंड इंटेलेक्चुअल दादा भाई नौरोजी। यह भी ऑर्गेनाइजेशन जो था वह भी काफ़ी ज़्यादा भाग्यशाली था, क्योंकि जो इसके शुरुआती जो नेता थे उनके अंदर जो सबसे ग्रेट और सबसे महान नेता हुए वे एक पारसी स्टेट्समैन थे, एक पारसी बिजनेसमैन थे और एक इंटेलेक्चुअल लीडर्स थे जिनका नाम था दादा भाई नौरोजी। मॉडर्न क्रिकेट इज़ डोमिनेटेड बाई टेस्ट एंड वन डे इंटरनेशनल्स। मॉडर्न क्रिकेट जो है इस समय जो डोमिनेटेड किया जाता है, उस समय जो सबसे ज़्यादा गेम इसमें खेला जाता है मॉडर्न क्रिकेट के अंदर, वह डोमिनेट किससे किया जाता है, वह किया जाता है टेस्ट क्रिकेट के द्वारा और वन डे इंटरनेशनल। यानी कि इस समय मॉडर्न क्रिकेट के अंदर बोलबाला जो है टेस्ट क्रिकेट का और वन डे इंटरनेशनल गेम्स का ही है, वन डे जो मैचेस खेले जाते हैं उनका ही बोलबाला है। प्लेड बिटवीन नेशनल टीम्स, और जो कि दो राष्ट्रीय टीमों के बीच में ही खेले जाते हैं। द प्लेयर्स वो बिकम फेमस प्लेयर्स जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हो चुके हैं, हु लिव ऑन इन मेमोरीज ऑफ क्रिकेट पब्लिक, क्रिकेट्स पब्लिक, जो कि हमेशा क्रिकेट की पब्लिक की मेमोरीज में उनकी यादों में रहते हैं। आर दोस वे वो हैं हु हैव प्लेड फॉर देयर कंट्री, जो कि अपने देश के लिए खेले उनको ही हम लोग याद रखते हैं। द प्लेयर्स इंडियन फैंस रिमेंबर इवन नाउ आर दोज हु वर फॉर्चुनेट इनफ टू प्ले टेस्ट क्रिकेट। जो प्लेयर्स हैं इंडियन के जो फैंस हैं जिनको कि आज भी याद किया जाता है, वे खिलाड़ी हैं, वे जो भाग्यशाली खिलाड़ी हैं, इतने ज़्यादा भाग्यशाली खिलाड़ी हैं जिन्होंने कि क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट भी खेला। उनमें सबसे पहला नाम आता सी के नायडू का। सी के नायडू एन आउटस्टैंडिंग इंडियन बैट्समैन ऑफ हिज टाइम। सी के नायडू जो कि एक आउटस्टैंडिंग इंडियन बैट्समैन थे, एक काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध, एक काफ़ी ज़्यादा महान इंडियन बैट्समैन थे, लिव्स ऑन इन द पॉपुलर इमेजिनेशन व्हेन सम ऑफ हिज ग्रेट कंटेम्प्रेरीज लाइक पलवंकर विट्ठल एंड पलवंकर बालू हैव बीन फॉरगॉटन। वो आज भी हमारी मेमोरी में जिंदा हैं, आज भी हमारी कल्पनाओं में जिंदा हैं, जबकि उनके साथ के जो खिलाड़ी थे जिनमें पलवंकर विट्ठल और पलवंकर बालू का नाम आता है उनको भुला दिया गया। बच्चों ये पिक्चर यहाँ पे पलवंकर बालू की दी हुई है, आप इस पिक्चर को देख सकते हैं। इनको हमने अपनी मेमोरी से भुला दिया और हमें नाम याद रहा किसका, सी के नायडू का। इवन दो नायडू वाज पास्ट हिज क्रिकेटिंग प्राइम व्हेन ही प्लेड फॉर इंडिया इन इट्स फर्स्ट टेस्ट मैचेस अगेंस्ट इंग्लैंड स्टार्टिंग इन 1932। यहाँ तक कि जो नायडू है ही वाज पास्ट हिज क्रिकेटिंग प्राइम, उसने अपना जो क्रिकेटिंग प्राइम है, जो क्रिकेट का बेस्ट टाइम था, वह पहले ही ख़त्म कर दिया था, जबकि वह इंडिया के लिए पहला जब उसने क्रिकेट टेस्ट मैच खेला था किसके विरोध में, इंग्लैंड के विरोध में, और वह स्टार्ट हुआ था, उसने गेम खेलना स्टार्ट किया था 1932 को। हिज प्लेस इन इंडियाज़ क्रिकेट हिस्ट्री इज़ एश्योर्ड बिकॉज ही वाज द कंट्रीज फर्स्ट टेस्ट कैप्टन। उसका इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में उसका स्थान इसलिए बरकरार रहा, उसने अपना स्थान इसलिए बनाए रखा क्योंकि वह कंट्री का पहला टेस्ट कैप्टन बना था 1932 में जब उसका मैच खेला गया, उससे पहले उसका प्राइम टाइम जो था वो निकल चुका था। इंडिया एंटर्ड द वर्ल्ड ऑफ टेस्ट क्रिकेट इन 1932। इंडिया ने टेस्ट क्रिकेट की दुनिया में 1932 में कदम रखा, ए डिकेड एंड हाफ बिफोर इट बिकेम एन इंडिपेंडेंट नेशन। एक करीब 15 वर्ष पहले, जबकि हमारे देश ने आज़ादी प्राप्त करी उससे पहले 15 वर्ष पहले ही हमारे देश ने टेस्ट क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था। दिस वाज पॉसिबल बिकॉज, यह इसलिए संभव हो सका क्योंकि टेस्ट क्रिकेट फ्रॉम इट्स ओरिजिन इन 1877 वाज ऑर्गेनाइज एज ए कंटेस्ट बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। यह इसलिए संभव हो सका क्योंकि 1877 से पहले जो टेस्ट क्रिकेट था वह ब्रिटिश एम्पायर में ब्रिटिश राज्य के विभिन्न जो उसके ब्रिटिश राज्य के अंदर आने वाले जो विभिन्न देश थे उन्हीं के मध्य में यह खेला जाता था, नॉट सॉवरन नेशंस, न कि आज़ाद राष्ट्रों के बीच में। यानी कि ब्रिटिश एम्पायर जो है यह खेल अपने उपनिवेशिक देशों के मध्य ही आयोजित करता था, आज़ाद या सॉवरन नेशंस जो भी इंडिपेंडेंट नेशंस हैं उनको इस गेम में नहीं बुलाया जाता था, स्वतंत्र राष्ट्रों को इस खेल में नहीं बुलाया जाता था। सॉवरन का मतलब होता है इंडिपेंडेंट नेशंस। द फर्स्ट टेस्ट वॉज प्लेड बिटवीन इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया व्हेन ऑस्ट्रेलिया वॉज स्टिल ए वाइट सेटलर कॉलोनी। पहला टेस्ट जो है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेला गया, ऑस्ट्रेलिया उस समय क्या था, वाइट सेटलर कॉलोनी था, यानी कि
जो ऑस्ट्रेलिया भी था वह भी ब्रिटिश एम्पायर का एक अंग हुआ करता था। सिमिलरली द स्मॉल कंट्रीज ऑफ द कैरेबियन दैट टुगेदर मेक अप द वेस्ट इंडीज टीम वर ब्रिटिश कॉलोनीज टिल वेल आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। यहाँ तक कि कैरेबियन टीम जिसको कि हम वेस्ट इंडीज़ के रूप में जानते हैं वह भी ब्रिटिश कॉलोनीज का एक अंग थी। नाउ कम ऑन द थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। टेलीविज़न कवरेज चेंज्ड क्रिकेट। टेलीविज़न की कवरेज ने क्रिकेट को बिल्कुल ही बदल दिया। इस तरीके से बदल दिया, इट एक्सपांडेड, इसने एक्सपांड कर दिया, इसने फैला दिया द ऑडियंस, इसके ऑडियंस को, यानी कि इसके ऑडियंस जो है कई सारे देशों से, कई सारे गांवों से, कई सारे कस्बों से आने लगे, क्योंकि क्रिकेट का जो प्रसारण है लाइव टेलीकास्ट टेलीविज़न पर जब से किया जाना शुरू किया, इसके प्रशंसकों की संख्या जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई, उसके ऑडियंस, उसके देखने वाले लोग जो है कई गुना बढ़ गए। इट एक्सपांडेड द ऑडियंस ऑफ द गेम बाय बीमिंग क्रिकेट इनटू स्मॉल टाउन एंड विलेजेस। क्रिकेट को स्मॉल टाउन और विलेजेस तक पहुंचा करके इसने उसके जो स्वयं है, बीमिंग का मतलब देखने वाले दर्शकों तक क्रिकेट को पहुंचा दिया। इट ऑल्सो ब्रॉडेंड क्रिकेट सोशल बेस। इसने क्रिकेट के सोशल बेस को, सामाजिक बेस को भी बहुत ज़्यादा फैला दिया है। चिल्ड्रन हु हैड नेवर प्रीवियसली हैड द चांस टू वॉच इंटरनेशनल क्रिकेट बिकॉज दे लिव्ड आउटसाइड द बिग सिटीज कुड नाउ वॉच एंड लर्न बाय इमिटेटिंग द हीरोज। चिल्ड्रन, बच्चे जो कि कभी पहले उनको मौका नहीं मिल पाता था इंटरनेशनल क्रिकेट को खेल देखने का, क्योंकि वह बड़े शहरों में नहीं रहा करते थे, बड़े कस्बों में नहीं रहा करते थे, वह अब आसानी से देख सकते थे अपने हीरोज़ को खेलते हुए और उनकी इमिटेट कर सकते थे, उनकी नकल भी कर सकते थे बड़ी आसानी से अपने हीरोज़ की, अपने खिलाड़ियों की, जो कि खिलाड़ियों ने पसंद थे उनकी, न केवल उनको देख सकते थे लाइव टेलीकास्ट उनका देख सकते थे, बल्कि अब उनको नकल करने का, उनकी इमिटेट करने का मौका भी अब मिलने लगा था बच्चों को। तो इस तरीके से इसने क्या किया था, लाइव टेलीकास्ट ने जो है सोशल बेस को भी क्रिकेट के बढ़ा दिया। द टेक्नोलॉजी ऑफ सैटेलाइट टेलीविज़न। सैटेलाइट टेलीविज़न की टेक्नोलॉजी ने क्या किया, एंड द वर्ल्ड वाइड रीच ऑफ मल्टीनेशनल टेलीविज़न और कंपनीज, और दुनिया के प्रत्येक हिस्से तक पहुंच किसकी, मल्टीनेशनल टेलीविज़न कंपनी की, क्रिएटेड ए ग्लोबल मार्केट फॉर क्रिकेट। इसने क्रिकेट के लिए एक ग्लोबल मार्केट डेवलप कर दिया, एक पूरे विश्व का मार्केट क्रिकेट के लिए ओपन कर दिया। मैचेस इन सिडनी कुड नाउ बी वॉच्ड लाइव इन सूरत। जो सिडनी में मैच खेले जाते थे वो आप सूरत में लाइव देखे जा सकते हैं। सिंस इंडिया हैड द लार्जेस्ट व्यूअरशिप ऑफ द गेम अमंगेस्ट द क्रिकेट प्लेइंग नेशंस, द लार्जेस्ट मार्केट इन द क्रिकेटिंग वर्ल्ड। क्योंकि भारत जो है सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप वाला, सबसे ज़्यादा जिसके अंदर दर्शक पाए जाते हैं, व्यूअरशिप मीन्स दर्शक पाए जाते हैं, और किसके, फॉर दिस गेम, फॉर द गेम ऑफ क्रिकेट अमंगेस्ट द क्रिकेट प्लेइंग नेशंस। जितने भी क्रिकेट प्लेइंग नेशंस हैं उसमें सबसे ज़्यादा दर्शक कहाँ पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप इंडिया में है। एंड द लार्जेस्ट मार्केट इन क्रिकेटिंग वर्ल्ड, और सबसे बड़ा मार्केट है किसका, क्रिकेटिंग वर्ल्ड का, क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट भारत है। द गेम सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्टेड टू साउथ एशिया। इसलिए जो गेम्स का सेंटर ऑफ ग्रेविटी थी, गेम के गुरुत्वाकर्षण केंद्र का जो बिंदु था, वो कहाँ स्थित हो गया, अब साउथ एशिया में सिचुएट स्थित करना पड़ा, यानी कि जो इसका मुख्यालय था वो साउथ एशिया में ट्रांसफ़र करना पड़ा। दिस शिफ्ट वाज सिम्बोलाइज्ड, इस शिफ्ट का यह सिम्बोलाइज करता है, यह दर्शाता है कि बाय द शिफ्टिंग ऑफ आईसीसी हेडक्वार्टर्स फ्रॉम लंदन टू टैक्स फ्री दुबई, कि आईसीसी का हेडक्वार्टर जो है लंदन से कहाँ शिफ्ट कर दिया गया, दुबई में शिफ्ट कर दिया गया। 150 ईयर्स एगो द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर्स द पारसीज, आज से करीब 150 साल पहले फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर्स, जो पहले इंडियन क्रिकेटर्स थे, पहले भारतीय खिलाड़ी थे पारसीज, पहले भारतीय पारसी खिलाड़ी, हैड टू स्ट्रगल टू फाइंड एन ओपन स्पेस टू प्ले इन। उनको संघर्ष करना पड़ा था अपने खेल को खेलने के लिए, स्ट्रगल करना पड़ा था, संघर्ष करना पड़ा था खुले में अपने मैदान के लिए, उनको संघर्ष करना पड़ा था। जैसा कि आपको याद है कि दोनों कम्युनिटी के बीच में, बॉम्बे जिमखाना और पारसी क्रिकेट क्लब के बीच में झगड़ा हो गया था पार्क को लेकर के, पब्लिक पार्क को लेकर के, तो उनको संघर्ष करना पड़ा था
क्रिकेट को खेलने के लिए। टुडे द ग्लोबल मार्केट प्लेस हैज़ मेड इंडियन प्लेयर्स द बेस्ट पेड। आज जो है ग्लोबल मार्केट प्लेस के अंदर भारतीय खिलाड़ी जो हैं सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाले खिलाड़ी साबित हो चुके हैं। मोस्ट फेमस क्रिकेटर्स इन द गेम, और सबसे ज़्यादा फेमस क्रिकेटर्स हैं इस गेम के, इस खेल के सबसे ज़्यादा फेमस क्रिकेटर, सबसे ज़्यादा खिलाड़ी, फेमस खिलाड़ी जो हैं भारत से ही आते हैं। मैन होम द वर्ल्ड इज़ ए स्टेज, उन लोगों के लिए पूरी दुनिया एक क्या है, एक स्टेज के समान है, एक रंगमंच के समान है। दिस ट्रांसफॉर्मेशन वाज मेड अप ऑफ मैनी स्मॉलर चेंजेस, यह ट्रांसफॉर्मेशन, यह परिवर्तन जो है बहुत सारे छोटे छोटे परिवर्तनों की वजह से आया। द रिप्लेसमेंट ऑफ द जेंटलमैन एमेच्योर बाय द पेड प्रोफेशनल, जो रिप्लेसमेंट है किसका, द रिप्लेसमेंट ऑफ द जेंटलमैन एमेच्योर, जिसके अंदर की पहले केवल जेंटलमैन ही, जेंटलमैनली एमेच्योर कहा जाता था, यानी कि जिस गेम को सिर्फ जेंटलमैन ही खेला करते थे, भद्र पुरुष ही खेला करते थे, उन्हीं के लिए यह गेम जो है शौकिया खेल हुआ करता था, एमेच्योर हुआ करता था। एमेच्योर मतलब एक शौकिया टाइप में ये लोग खेला करते थे, बाय द पेड प्रोफेशनल। अब इसमें परिवर्तन कैसे आ गया, अब इसके अंदर पेड प्रोफेशनल्स खेलने लगे, यानी पैसे वाले व्यक्तियों के अंदर परिवर्तित हो गया। जो गेम पहले शौकिया लोगों तक सीमित था, जिसको सज्जन शौकिया सज्जन खिलाड़ी खेला करते थे, उनका स्थान वेतन भोगी प्रोफेशनल्स ने ले लिया। द ट्रंप ऑफ द वन डे गेम एज इट ओवरशैडोज टेस्ट क्रिकेट, इसी तरीके से वन डे गेम ने किसका स्थान ले लिया, ओवरशैडोड कर दिया, यानी उसने ढक दिया किसको, टेस्ट क्रिकेट को पूर्ण रूप से ढक दिया, उसका पूरा स्थान किसने ले लिया है, वन डे क्रिकेट ने ले लिया। इन टर्म ऑफ पॉपुलैरिटी, पॉपुलैरिटी के रूप में वन डे क्रिकेट जो है टेस्ट क्रिकेट से ज़्यादा पॉपुलर हो गया। एंड द रिमार्केबल चेंज इन ग्लोबल कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी, और इसके अंदर कई सारे रिमार्केबल चेंजेस आए, वह चेंजेस किसकी वजह से आए, टेक्नोलॉजी की वजह से और कॉमर्स की वजह से, यानी व्यापार की वजह से। इसमें ग्लोबल कॉमर्स और टेक्नोलॉजी की वजह से, विश्व व्यापार और तकनीक की वजह से इसमें कई सारे रिमार्केबल चेंजेस आए, कई सारे उल्लेखनीय परिवर्तन भी इसमें हमको देखने को मिले। अब पहले तो टेस्ट क्रिकेट का स्थान वन डे गेम ने लिया, अब वन डे गेम का स्थान भी 2020 मैचेस ने ले लिया है। तो इस तरीके से लगातार इस गेम में कुछ ना कुछ परिवर्तन आते जा रहे हैं। यह चैप्टर जो है रामचंद्र गुहा द्वारा लिखा गया, एंड इट हैज़ अडेप्टेड फ्रॉम चैप्टर 7 ऑफ इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, फर्स्ट टेक्स्ट बुक इन हिस्ट्री फॉर क्लास 9th। तो यह रामचंद्र गुहा द्वारा लिखा हुआ चैप्टर है। बच्चों, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश इज इजी को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे वीडियो को लाइक करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस वीडियो को देख करके इसे इंजॉय कर सकें। थैंक यू।